नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, मन की बात में बोले पीएम मोदी। देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है, मन की बात में पीएम मोदी। तमिलनाडु प्रतिबंधित संगठन हिजब उत-तहरीर से कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम से पीएम मोदी ने की फोन पर बात, पूरी टीम को दी बधाई। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने दिया टीएमसी को सूबे की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का आदेश। नाइजीरिया में बोर्नो में हुए बम विस्फोटों में करीब 18 लोगों की मौत, 48 घायल। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में बंद आरोपियों से की पूछताछ। धर्म मेरा मार्गदर्शन करता है, लंदन के मंदिर में ऋषि सुनक ने हिंदू आस्था के बारे में की बात। यूपी में कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर डीजीपी की अहम बैठक, गड़बड़ी करने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। लखनऊ की सड़कों पर मना T20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न, आतिशबाजी कर मचाया धमाल। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।